हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो में जो ठंड की ऋतु में बच्चे हो या बूढ़े हो या यंग लोगों को रेस्पिरेटरी जो श्वसन तंत्र के अमुक रोग होते हैं तो पर्टिकुलरली ठंड ऋतु में और बढ़ जाता है, तो उनको लिए लाइफ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। कई बार इतना एग्रावेट हो जाता है कि दर्दी को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। और अभी तो जो कोरोना काल चल रहा है तो आपको डर लगता है कि कई बार जो हमारा ऑक्सीजन लेवल तो घट तो नहीं गया है, तो एवरी पर्सन आर कॉन्शियस अबाउट दिस ऑक्सीजन लेवल और जो कफिंग है या आस्थमा है, तो इसके लिए हम आज ये वीडियो में चर्चा करेंगे। मित्रों, जब ठंड ऋतु आती है तब ज़्यादातर बच्चे और ओल्ड उम्र लोग ज़्यादा सफर रहते हैं। इन लोगों को जैसे ड्राई कफ रहता हो या कफ वाली खांसी हो या बलगम वाली खांसी हो या सांस चढ़ता हो, अस्थमा जिसको बोलते हैं, या उसको ब्रोंको न्यूमोनिया हो जाता है, बच्चा को जिसको न्यूमोनिया होता है, वड़ात बोलते हैं छोटे बच्चों को, और बार बार उसको हॉस्पिटलाइजेशन ले जाना पड़ता है। पेरेंट को लगता है कि इतनी सारी मैं दवा करता हूँ, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दवा देते हैं, डॉक्टर के पास जाता है तो कुछ एंटीबायोटिक देते हैं या कोई स्टीरॉयड युक्त दवा देते हैं, तो टेम्पररी तो रोग दब जाता है। एक दो दिन बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन भी करना पड़ता है और फिर से ये रोग अटैक हो जाता है। तो पेरेंट्स दिधा में हो जाते हैं कि मैं मेरे बच्चे को क्या खिलाऊं कि जो यही ऋतु में उसको श्वसन तंत्र की जो बीमारी है इसे बच्चा के। ऐसे बड़े लोगों में भी यही प्रॉब्लम रहता है, जब भी ठंड पड़ता है तो कफ निकलता नहीं है, गले में कफ जाम जाता है, और बहुत खांसी करने के बाद थोड़ा कफ निकलता है तब आराम रहता है। इसके जरिए हमारा जो लंग्स होता है कंसर्टिफाइड हो जाता है और ऑक्सीजन केयरिंग कैपेसिटी थोड़ा कम हो जाती है, इससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम बढ़ जाता है, सांस बढ़ने का अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है। अस्थमा के साथ दर्दी को खांसी रहती है, गले में इचिंग रहता है, नाक में बोरिंग रहता है, छींके चलता है, दर्दी कई बार खाने के बाद ड्राई कफ हो जाता है, कई बार जब गोइंग टू स्लीप होता है तब खांसी चढ़ता है, और खांसी कई बार तो वीक वाली खांसी आ जाती है। दर्दी को जो ये गले में इतनी खांसी आती है तो गले में ड्राइनेस जाती नहीं है, बार बार उसको गला ह्यूमिड करने के लिए पानी पीना पड़ता है, और कई बार थकान भी आ जाती है, ज़्यादा कफिंग करने के लिए उसको वीकनेस आ जाता है, चक्कर भी आ जाता है, दर्दी एनेमिक हो जाता है, टेम्परेचर भी कई बार आ जाता है। बाद में हम सब रिपोर्ट निकालते हैं या एक्सरे कराते हैं, एमआरआई करते हैं, बार बार हम कोविड का टेस्ट कराते हैं, पर इसमें से बाहर ही नहीं निकलते, क्योंकि बहुत सारी जो एंटीबायोटिक जो दवा होती है हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देती है, तो इम्यूनिटी के लिए बहुत सारे के कुदरती से बढ़ाना चाहिए, इम्यूनिटी कोई टॉनिक लेने से बढ़ता नहीं है, और कई बार हम इतनी एग्रेसिव दवा केमिकल युक्त दवा लेते हैं तो कई बार इसमें से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें होम्योपैथिक के मैं 5 मेडिसिन बताता हूँ, ये बच्चे भी ले सकते हैं, यंग भी ले सकते हैं, और जिन लोगों को ठंड ऋतु में 2-व्हीलर में घूमना पड़ता है, ये लोगों को भी बार बार सर्दी खांसी का प्रॉब्लम होता है, तो इन लोगों को भी ये होम्योपैथिक दवा लेना चाहिए। तो आज मैं 5 मेडिसिन के दवा के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो लोगों को कॉफ एंड कॉल रहता है तो उनको गर्म पानी पीता है रहने, गर्म पानी पीने से हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसमें जो भी इमेच्योर जो कफ होता है वो हमारा पेट में चली जाए तो ये ग्रो नहीं करेगा, तो आपको जो कफ गर्म पानी पियोगे तो ये कफिंग बनेगा नहीं। मैं आपको बोलता हूँ कि कोई कफ सिरप के बेटर आप गर्म पानी पियो तो उसका फ़ायदा ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, आपको स्टीम लेने का है, खाली पानी की या इसकी आप बाफ लेने का है। बाफ लेने से हमारा जो नोजल कैविटी है इसमें कुदरती एक ह्यूमिडिटी आ जाता है, तो ये वायरल के सामने लड़ने की इंटरनल फोर्स बढ़ाता है। साथ में आप जिंजर का जूस के साथ ब्लैक पेपर मिक्स करके आप चाट सकते हैं,
ऊंट हल्दर घी और गुड़ की गोटी बना के भी ले सकते हैं, हल्दी वाला दूध है ये भी आप ले सकते हैं। ये सब दवा से हमारी इम्यूनिटी बढ़ता है, उसको एकदम तो फायदा नहीं करेगा, पर अब सारे सीजन आपको जो एलर्जी क्या हो, एलर्जी राइनाइटिस या एलर्जी ब्रोंकाइटिस या एलर्जी ब्रोंकियल अस्थमा या ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमा, कोई भी डायग्नोसिस करते हैं तो ये हमारे इम्यूनिटी को फोर्स बढ़ाता है, ये रातों रात नहीं बढ़ाता है, पर आपको कोई भी अनुकूल पड़े तो वो लेते रहो। और संतरा, द्राक्ष, केला, फ्रीज का पानी, थम्सअप, रसना, गोल्ड स्पॉट, आइसक्रीम, चॉकलेट, सॉस, जाम, दही, छाछ, तरबूज, जैसे कोल्ड इसमें ज्यादा रहती है तो ये अवॉइड कीजिए। थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, खून को गर्म कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, हफ्ते में एक दो बार उपवास कीजिए, सारा दिन गर्म पानी पीते रहो, स्ट्रेस मत करो, वेट कंट्रोल में करो, ये सब कुछ जो फैक्टर है ये आपको बॉडी की इम्यूनिटी को एनहेंस करता है। तो ऐसे छोटे मोटे जो रोगों में आपको कुछ केमिकल युक्त दवा नहीं लेना चाहिए, और पर्टिकुलर बच्चों में हमने बच्चों को देखा है कि बहुत सारी दवा करने के बाद फिर से उसको साइकिल में से बाहर ही नहीं निकलती। पेरेंट को लगता है कि मेरे मेरे बच्चे को क्या खिलाऊं पिलाऊं कि इसमें से ये बाहर आ निकल जाए, थोड़ा दिन हो जाता है फिर से साइकिल हो जाती है, कई बार तो ओवर सेंसिटिव बच्चों को बार बार हॉस्पिटलाइजेशन में जाना पड़ता है। और ये भी कोई मददगार तो साबित नहीं होती है, टेम्पररी सपरेशन से और फिर से बच्चों में इम्यूनिटी कम होने के कारण और बड़े लोगों में ये सिम्टम रीअपीयर होते हैं। तो मेरे को कोई दवा के बारे में, कोई आधुनिक साइंस के बारे में ऐसा नहीं है, पर ये हमारा जो बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, अपडेट करने के लिए मैंने आपको घरेलू उपचार बताया है, वो जरूर करना। साथ में होम्योपैथी की जो दवा है, मैं पांच दवा का नाम बोलता हूँ, जिन लोगों को नाक की सर्दी है, छींक होती है, नाक में से पानी आता है, ड्राई कफ रहता है, उन लोगों को काली बीच 30 पोटेंसी का उपयोग करें। जिन लोगों को गले में लगता है कि कुछ अटक गया है और कई बार खांसी खांसता है पर कफ नहीं निकलता है, तो ये गले का कफ को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके, बलगम में फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो दर्दी को राहत रहता है। तो ये दवा बहुत उपयोगी है जिन लोगों को कफ नहीं निकलता है और कफ वाली खांसी, ड्राई कफ परसिस्टेंट आता रहता है। तो काली बीच 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम को लेना चाहिए। सेकेंड थिंग, कई बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमको कंटिन्यूस खांसी रहता है, जैसे हुपिंग कूटा क्या जैसे काफी हुपिंग कफ, जिसको वेग वाली खांसी बोलते हैं, वेग अंदर से वेग आते रहता है, बंद ही नहीं होता, तब होम्योपैथिक में ड्रॉसिरा 6 पोटेंसी का उपयोग। मैं खास पोटेंसी बताता हूँ, ये खास ध्यान रखना, आप हाउस फॉर्म में दवा करते हैं तो हाई पोटेंसी दवा यूज मत कीजिए, ड्रोसेका का 6 पोटेंसी में उसका अमुक असरदारक पोटेंसी है, तो आप ड्रोसेरा 6 पोटेंसी लाके एक हफ्ते में आपको फायदा लगेगा। कई बार आपको थोड़ा थोड़ा टाइम में पानी पीना पड़ता है और ड्राई कफ और इरिटेटिंग कफ लगे और छाती में पेन लगे, हाई ग्रेड फीवर हो जाए, तब आप ब्रायोनिया का 30 पोटेंसी का उपयोग करना चाहिए। कई बार आपको रात 12 बजे दिन में और रात को एकदम अस्थमा का अटैक आ जाए, गला सूखने लगे, ज्यादा पानी पीने की इच्छा हो जाए, मेंटली और फिजिकली फटिक लगे, फियर कॉम्प्लेक्स लगे, इनसिक्योर फील करें, आप आर्सेनिक का 30 का उपयोग करना चाहिए। कई बार बलगम निकलता है और छाती में खखड़ता है और बाहर नहीं निकलता है, तब होम्योपैथिक में आप इपिकेनम एंड एंटीमक्रूडम का उपयोग करना चाहिए। जिन लोगों को पास में ट्यूबरकुलोसिस की कोई हिस्ट्री बनी हो और टीबी की कोई दवा लॉन्ग टर्म लिया हो और नजला, सर्दी, खांसी का जो शिकार रहते हैं, तो उन लोगों को ट्यूबरक्लिनम जो दवा है एन फॉस्फरस 30 पोटेंसी का उपयोग करना चाहिए। और जिन लोगों को ज्यादा कफिंग निकलता है उन लोगों को भी फॉस्फरस 30 का उपयोग करना चाहिए। जिन लोगों को वॉमिटिंग हो जाता है, कफ इतना होता है कि वॉमिटिंग हो जाए और अस्थमा हो जाए, पर्टिकुलर बच्चों को, जिसे उटाटिया जैसे, जिसे काली खांसी जिसको बोलते हैं,
बच्चा इतना खांस खांस करके इतना पतला हो जाता है, इसमें टीबी भी नहीं आता है और कोई काला आजार भी नहीं आता है और बच्चों के वेट लॉस हो जाता है और बहुत खांसता है, तब पर्टुसिस होम्योपैथी की दवा है 30 पोटेंसी। और जो वॉमिटिंग कर जाता है बच्चों में, तो इपिकिनम और अस्थमा हो जाए, वॉमिटिंग कफिंग वाली वॉमिटिंग हो जाए, तो इपिकिनम नाम की दवा लेना चाहिए। छोटे बच्चों का गर्म पानी में सेक करके छाती में रखना चाहिए, थोड़ा उसको सनलाइट में बिठाना चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए बच्चों को, बिस्किट है, चीज़ है, ठंडा पदार्थ को अवॉइड करना चाहिए। आप ये दवा एंटीबायोटिक्स के पैरेलल आप ले सकते हैं, और आपको बहुत क्रॉनिक हो जाए तो आप होम्योपैथी की लो मात्रा में दवा 1 से 2 महीना आप लेते रहो। मैंने आगे भी मैनेजमेंट बताया, आप ये मैनेजमेंट भी करो। मैं शॉर्ट शॉर्ट करता हूँ कि आपके जो पर्टिकुलरली कोल्ड सीजन में सर्दी खांसी जुकाम का या अस्थमा का अटैक आता है तो नेक्स्ट सीजन में आपको नहीं आएगा और कंप्लीट क्योर हो जाएगा। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।